तो भाई आज मैं दिखाता हूँ आपको जेट स्प्रे फीचर जो आता है इसके अंदर। ये जो जेट स्प्रे फीचर होता है इसकी मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए मैं कैसे बनाता हूँ इसकी, मतलब पूरा प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप कभी भी वैसे वीडियो जेट स्प्रे की आप कपड़े डालें कभी भी, तो इसकी जिप बंद करके डालें, वरना आपके कपड़े जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। ये मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने जीन्स का ये डाला तो इसकी जिप जो है वो क्लोज़ कर दीजिए, अदरवाइज़ आपके कपड़े जो हैं वो फट सकते हैं। तो देखिए मैं इसको ना हाफ लोड पे चलाऊंगा, ज़्यादा कपड़े नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि जेट स्प्रे फीचर जो इंजीनियर ने मुझे बताया था वो बताया था कि 2 से लेके 7 तक वर्क करता है। बाकी मेरे को इसकी इन्फॉर्मेशन अभी बुकलेट में नहीं मिली है, तो इसकी भी मैंने जिप की जीन्स की जो जिप है वो बंद कर ली है। अदरवाइज़ जैसे ये मेटल होता है ये रगड़ के जो आपके कपड़े जो है फाड़ सकते हैं। मैं आपको टिप बता रहा हूँ, एक तो मैंने 2 जोड़ी डाल दी हैं, अब ज़्यादा कपड़े नहीं डालूंगा मैं, दिखाता हूँ आपको हिसाब से ही कपड़े डालूंगा। एक ये मैंने इसमें शर्ट डाल दी है, एक ये बनियान डाल दिया है, एक शर्ट और डाल दी है, इसमें एक बनियान आ गया, हैंकी आ गया, एक सॉक्स आ गई, एक हैंकी और आ गया है, एक शर्ट और एक ये ओढ़ने वाला जो है सापी ओढ़ते हैं, और एक शर्ट। तो मैं ज़्यादा लोड पे नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जेट स्प्रे का फीचर जो है वो दिखाना है। इसमें प्रॉपर मैंने लाइट वगैरह लगाई है ताकि अच्छी वीडियो बने, तो आप इसको लाइक करिएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैं इसके अंदर जो है वो डिटर्जेंट डाल देता हूँ, ज़्यादा कपड़े नहीं है तो मैं 1 स्कूप ही डालूँगा, देख सकते हैं आप। ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि कम कपड़े हैं तो मैंने कम ही डाल रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने सर्फ डाल दिया है। तो हम इसको जो है वो क्लोज कर लेंगे, इसको मैं बंद कर लूँगा। ये मैंने प्रॉपर सेटअप कर रखा है, लाइट वगैरह लगा के, ताकि वीडियो जो है अच्छी तरीके से बन सके। चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, प्रॉपर लाइक लगाइए इसमें। मैं इसको ऑन कर देता हूँ, देख सकते हैं आप लाइक ऑन हो चुकी है, अच्छा अंदर से अच्छा व्यू आएगा। ये इसका जेट स्प्रे फीचर मैं कैसे लगा देता हूँ, मैं प्रॉपर दिखाऊंगा इस तरीके से। मैं वॉशिंग मशीन पर ऑन कर देता हूँ, सबसे पहले हमें यहाँ से ऑन करना है, इसके बाद ये सोइल लेवल होता है कि अगर आपके कपड़े कितने गंदे हैं, तो आप हैवी नॉर्मल लाइट पे लगा सकते हैं। मैं नॉर्मल पे लगा रहा हूँ, तो ये लेवल बताता है कपड़े कितने गंदे हैं। पिछली बार इंजीनियर ने जो वीडियो में गलत बताया था कि पानी का जो हार्डनेस लेवल होता है, तो पिछली बार इंजीनियर ने जो ये गलत बताया था, ये हाई पे रहेगा। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है नॉर्मल या फिर प्री वॉश, इसमें मैं नॉर्मल कर रहा हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं 2 मोड यूज़ करते हैं, नॉर्मल और प्री वॉश। टर्बो भी यूज़ नहीं करते, क्विक वॉश भी यूज़ नहीं करते, स्ट्रॉन्ग भी नहीं करते, और एक रिजर्व तो फिर पानी उसके लिए हो गया जिसमें ये क्या बोलते हैं रिंस नहीं होता है। तो अब इसके बाद हमें करना है इसमें वाटर, जो अभी मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, फुल लोड पर चलाता हूँ तो मैं 10 कर देता हूँ। इसमें अभी हम देखते हैं ऑटोमेटिक कितना सेलेक्ट करता है, सही करता नहीं करता। इसमें मैं टाइम लगा लेता हूँ, इसमें टाइम जो है मैं 15 मिनट लगा देता हूँ, या फिर मेरे को वीडियो बनानी है जल्दी तो मैं ऐसा करता हूँ। इसका टाइम जो है हम 13 मिनट के करीब लगा लेते हैं, ठीक है। रिंस हम 2 बार करेंगे, या आप लो मीडियम हाई रख सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं, इसको कोई इसमें कोई इशू नहीं है। 9 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट ऐसे चलता है, ये कुछ गलत हो जाए तो आप मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ से हमें ऑन करना है, अब ये सेंस करेगा, अभी देखो घूमेगा 1-2 बार, और अभी इसको मैंने गीजर की लाइन भी जोड़ा हुआ है, तो ये इसमें ना भाप आ जाएगी। जब ये क्या बोलते हैं ये पानी अंदर डलेगा, तो इसके अंदर जो है ना ग्लास के अंदर वो हो जाएगा, पूरा का पूरा वाष्प जम जाएगा। तो उसको मैं एक बार क्लीन कर दूंगा, कपड़े से आप देख सकते हैं यहाँ से सर्फ आता है, हमें हर बार डालना पड़ता है। ये अभी जो ऐसा लोड सेंस कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है लोड सेंसिंग, तो लोड जो है अभी सेंस हो रहा है। अब देखिए इसमें टाइम वाटर लेवल से कर 3 सेलेक्ट, तो अभी हम देखते हैं पानी सही आता है, नहीं तो फिर हम मैनुअली भी ऐड कर देंगे। आप देखते जाइए सही है कि नहीं, अभी पानी इसके अंदर जाएगा, देख सकते हैं आप।
पानी जो है वो अपने आप सही ले रहा है या नहीं ले रहा पता लग जाएगा। अदरवाइज फिर जो है हम मैनुअली इसका पानी जो बढ़ा देंगे। तो देखते हैं अभी इन्होंने इसमें भी जो 3 लेवल जो है वो सेलेक्ट करा गया है। 13 मिनट का नहीं चलाइए, 2 मिनट मैंने रेंज चलाया है। मैंने फ्लैश ऑन कर रखा है इसलिए लाइट पड़ रही है। देखिए अभी देखते हैं वाटर लेवल सही सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो भाइयों देखिए आप पानी एकदम से जैसे इसमें फिल हो गया वैसे ही डेट स्प्रे जो है वो साइड से चल चुका है। ये देखिए मैं फ़ोन को रख के थोड़ा मैं अंदर चला गया था तो मेरे को ये पता नहीं लगा इसका जेट स्प्रे देखिए यहाँ पे चल रहा है। तो अभी मैं जैसे ही अंदर से आऊँगा तो मैं फ़ोन को जो है वो उठा लेता हूँ। ये देखिए साइड में जो ये शावर सा जो चल रहा है ये जेट स्प्रे ही चल रहा है इसका। जैसे ही एक बार इसका वाटर लेवल सेलेक्टेड लेवल तक आ गया है तो फर्स्ट टाइम ये जेट स्प्रे चला है। तो ये 2 बार चलेगा, अभी फर्स्ट टाइम चल रहा है और एक बार ये और चलेगा। बीच में रिंस के टाइम पर जेट स्प्रे फंक्शन नहीं करता है, खाली वॉश के टाइम पर करता है। ये देखिए अभी साइड से जो पानी निकल रहा है ये जेट स्प्रे ही पानी जो है वो इसका निकल रहा है। अभी मैं थोड़ा अंदर चला गया था फ़ोन रख के, अभी मैं अंदर से आऊँगा तो मैं देखिए फ़ोन उठाऊँगा तो ये भी काफ़ी लंबा चला है, ये थोड़ी देर नहीं चला है फर्स्ट वाला भी। तो इससे क्या है सर्फ वगैरह जो आपका रहता है वो डिज़ोल्व हो जाता है अगर आप गर्म पानी में पहले सोक नहीं करते हैं डिटर्जेंट को, तो उस चीज़ के लिए तो ये मतलब इफ़ेक्टिव है। ये जेट स्प्रे फीचर जो है इसका चल चुका है। पानी देखिए अभी कम, ये जो पानी हमें थोड़ा सा कम लग रहा है इसके अंदर, जैसे लेवल 3 था तो पानी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँ इसका। ये देख सकते हैं आप, मैं एक साइड की लाइट बंद कर देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। अब देख सकते हैं ये चल रहा है इसका जेट स्प्रे फीचर, इस तरीके से काम करता है। अब आप बताइए कि आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा। काफ़ी लोगों ने कमेंट करा था ये अच्छा फीचर है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे बारिश हो रही है, बरसात हो रही है पानी की। अभी नीचे हमको लग रहा है कपड़े थोड़े जैसे सूखे हुए हैं ना। अब जैसे कुछ लोग ये भी पूछते हैं कपड़े सूखे हुए हैं तो मैं इसको जो है पानी देखो जो अभी तो जेट स्प्रे चलने तो जग भी पानी बढ़ रहा है मतलब इसका अभी ठीक है। ये फीचर भी मतलब आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। थोड़ा सा रबर हल्का फुल्का रह जाता है तो चलेगा। ये देखिए अंदर ही जा रहा है पानी, तो वैसे छींक नहीं पड़ रही है देखिए। तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। ये देखिए मैंने प्रॉपर पूरा सेटअप लगा रखा है, लाइट वाइट आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। अरे तो आप देख सकते हैं पानी अब बंद हो गया है।
तो भाई ये देखिए इसका जेट स्प्रे फीचर जो है वो दोबारा चल चुका है, 39 मिनट्स पे चला है अब की बारी। तो एक बार पहले चला था, एक बार दोबारा चला है, अब आप देख सकते हैं अभी तक ये खाली दो बार चला है। इस तरीके से रहता है इसका फीचर, ये ऐसे तो नहीं दिखा, मैं चलो आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। एक सेकंड में लाइट बंद करनी पड़ेगी दोबारा। देख सकते हैं आप जिस तरीके से पानी ये बारिश कर रहा है पानी की, अभी तक ये दूसरी बार चला है खाली। ये देख सकते हैं आप टाइम, अभी यूज़फुल है या नहीं है या आप बताइएगा, मुझे नहीं पता है। अभी सरफ़ को डिजोल्व करने के लिए, किस चीज़ के लिए, सरफ़ को आई थिंक थोड़ा रहना जाए इसलिए हुई होगा ये। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर इस तरीके से ये चल रहा है जेट स्प्रे फीचर जो है वॉशिंग मशीन का। मैं बाहर की सारी लाइट बंद कर देता हूँ, आप देखिएगा। ये देखिए अब अंदर एक लाइट जल रही है, मैं उसका फ्लैश भी ऑफ कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से ये काम करता है। मैंने प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, ये देखिए लाइट मैंने लगा रखी है आपके लिए, प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को। देख सकते हैं ये इस तरीके से रहता है जेट स्प्रे फीचर जो है इसका, इस तरीके से काम करता है। आप देख सकते हैं मैंने यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं देखी थी, मैंने सोचा कि प्रॉपर बनाई जाए, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट ये देख सकते हैं आप अब काफ़ी देर तक चला है। अब मेरे को थोड़ा सही लग रहा है ये फीचर, पहले थोड़ा ख़राब लग रहा था, बट इसमें क्या है थोड़ा सर्फ वगैरह अगर रह जाता है तो वो डिजोल्व हो जाएगा, बस ये इन्होंने मेन दिया हुआ है इस सर्फ को डिजोल्व करने के लिए। सॉरी, देख सकते हैं ये देखिए किस तरीके से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से। तो अब काफ़ी देर से चल रहा है जेट स्प्रे फीचर, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा फीचर है, यहाँ से निकलता है पानी इसका। ये देखिए ऐसे बारिश हो रही है, अब तो काफ़ी देर चला है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। काफ़ी देर से चल रहा है फीचर, अब मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा था कि सर्फ वगैरह जो है सर्दियों में जो है ये काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि सर्दियों में जो है सर्फ अगर आपका डिजोल्व नहीं होता, अगर आप गर्म पानी में इसको डालते नहीं हैं आगे जो है ये अब जेट स्प्रे फंक्शन जो है वो नहीं चला है। तो वीडियो जो ज़्यादा लंबी ना हो जाए मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मैंने आगे भी बनाई थी तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो जो है ये वो हो जाएगी। तो रेंज के टाइम पे जो है ये जेट स्प्रे फंक्शन जो है वो नहीं चला है, वॉश टाइम पर मैंने 13 मिनट लगाए थे तो ये दो बार चला था, तो आप देख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।